हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वंश पत्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 6 के जो रिमेनिंग सेक्शंस हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। सेक्शन 87 से 90 इस वीडियो में डिस्कस होंगे। इससे पहले के जो भी सेक्शंस हैं ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए हैं। यू कैन फाइंड वीडियोज़ इन माई प्ले लिस्ट। सेक्शन 87 से 90 बात करते हैं अदर रूल्स रिगार्डिंग प्रोसेसेस के बारे में। कुछ रूल्स हैं जो प्रोसेसेस से रिलेटेड हैं। समन, वारंट, प्रोक्लेमेशन, अटैचमेंट, इनसे रिलेटेड कुछ एडिशनल रूल्स हैं जो सेक्शन 87 से 90 में बताए गए हैं। सभी सेक्शंस सिर्फ प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। बेरेक्ट लैंग्वेज यहाँ पर सफिशेंट रहेगी। स्टार्ट करते हैं सेक्शन 87 से। इसकी हेडिंग है इश्यू ऑफ वारंट इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू समन्स। तो इसकी हेडिंग से ये पता चल रहा है कि वारंट इशू हो रहा है इन ल्यू ऑफ समन्स, मतलब समन्स के बजाय वारंट इशू हो रहा है या फिर समन्स के एडिशन में वारंट इशू हो रहा है। तो ये क्या कह रहा है सेक्शन, कोर्ट में इन एनी केस, कोर्ट जो है किसी भी केस में जहाँ पर वो एम्पावर्ड है समन्स इशू करने के, फॉर दी अपीयरेंस ऑफ एनी पर्सन, किसी पर्सन की अपीयरेंस के लिए समन्स इशू करने के लिए एम्पावर है यहाँ पर। इशू आफ्टर रिकॉर्डिंग इट्स रीज़न इन राइटिंग ए वारंट और हिज अरेस्ट। तो जहाँ पर कोर्ट समन्स इशू करने के लिए एम्पावर्ड है किसी पर्सन की अपीयरेंस के लिए, वहाँ पर जो कोर्ट है इशू कर सकती है वारंट ऑफ अरेस्ट भी, रीजंस रिकॉर्ड करके राइटिंग में। किन सर्कमस्टांसेस में जहाँ समन इशू होने वहाँ वारंट इशू हो सकते हैं? दो क्लॉजेस बताए हुए हैं यहाँ पर। एक क्लॉज कह रहा है इफ़ आइदर बिफोर द इशू ऑफ सच समन्स और आफ्टर द इशू ऑफ सेम कोर्ट सी रीजन टू बिलीव दैट ही हैज अब्सकॉन्ड और विल नॉट ओबे द समन्स। या तो समन्स इशू होने से पहले या फिर समन इशू होने के बाद भी कोर्ट के पास रीज़न टू बिलीव है कि वो जो पर्सन है ना, ही इज़ एब्सकॉन्ड और विल नॉट ओबे दी समन्स। वो कहीं एब्सकॉन्ड मतलब वो छुप रहा है, हमने प्रीवियस वीडियो में एब्सकॉन्ड की डेफिनेशन डिस्कस की थी। या फिर वो समन ओबे नहीं करेगा, कोर्ट को ऐसा लगता है, तो उस केस में समन्स इशू ना करते हुए जो कोर्ट है वो वारंट भी इशू कर सकती है। बी क्लोज यहाँ पर कह रहा है कि कब समन्स, जब कोर्ट के पास पावर होती है समन्स इशू करने की, कब वहाँ पर वारंट ऑफ अरेस्ट भी इशू कर सकती है कोर्ट, जब वो जो पर्सन है इफ़ एट सच टाइम्स ही फेल्स टू अपीयर्स, अगर वो अपीयर ही नहीं होता, एंड दी समन्स इज़ प्रूव टू हैव बीन ड्यूली सर्व्ड, समन वहाँ पर ड्यूली सर्व हो चुके हैं, सही तरीके से सर्व्ड हो चुके हैं, पर वहाँ पर उस टाइम पर वो अपीयर ही नहीं होता वो पर्सन, जैसा समन में बताया गया है। एंड नो रीजनेबल एक्सक्यूज इज़ ऑफर्ड फॉर सच फेलियर, एंड वो रीजनेबल एक्सक्यूज़ भी नहीं ऑफर करता कि वो क्यों अपीयर नहीं हुआ था सही टाइम पर, वहाँ पर कोई रीजनेबल एक्सक्यूज़ भी नहीं होता उसके। तो इन दोनों केसेस में जो समन जहाँ पर इशू किए जाने हैं, समन जहाँ पर इशू किए जाने हैं, वहाँ पर कोर्ट के पास पावर होती है कि वारंट ऑफ अरेस्ट भी इशू कर सकती है उस पर्सन के अगेंस्ट। आगे सेक्शन 88 है पावर टू टेक बॉन्ड फॉर अपीयरेंस। ये सेक्शन क्या कह रहा है, जब कोई पर्सन है मान लीजिए जिसकी अपीयरेंस के लिए या फिर जिसके अरेस्ट के लिए, जिसकी अपीयरेंस के लिए या फिर जिसके अरेस्ट के लिए जो ऑफिसर है ना कोर्ट में, वो एम्पावर है समन्स या फिर वारंट इशू करने के लिए, इज़ प्रेजेंट इन सच कोर्ट, वो पर्सन उस कोर्ट में प्रेजेंट है। मतलब मान लीजिए एक्स पर्सन है, उसके अगेंस्ट वो जो कोर्ट है उसके पास पावर है कि एक्स के अगेंस्ट समन्स या फिर वारंट इशू कर सकती है वो कोर्ट। वो जो एक्स है मान लीजिए ही इज़ एक्यूज ऑफ सम ऑफेंस, कोई ना कोई ऑफेंस करा है, कोर्ट के पास वहाँ पर पावर है उसके अगेंस्ट समन या फिर वारंट इशू करने की, वो खुद प्रेजेंट है वहाँ पर उस कोर्ट में। तो वहाँ पर क्या होगा, सच ऑफिसर में रिक्वायर सच पर्सन टू एग्जीक्यूट ए बॉन्ड। तो वो जो ऑफिसर है जो कोर्ट का है, मान लीजिए जज या फिर मजिस्ट्रेट है, वो उस पर्सन को कहेगा कि एग्जीक्यूट करो बॉन्ड। वो बॉन्ड एग्जीक्यूट हो सकता है विद और विदाउट श्योरिटीज़ भी उसकी अपीयरेंस के लिए उस कोर्ट में या फिर किसी और कोर्ट में, अगर वो जो केस है वो किसी और कोर्ट में ट्रांसफ़र हो जाता है ट्रायल के लिए। ठीक है ना, वो जो एक्स पर्सन वो प्रेजेंट है, जज या फिर जो भी मजिस्ट्रेट वहाँ पे प्रेजेंट है, वो कहेंगे एक्स को कि एग्जीक्यूट करो बॉन्ड, जो भी अमाउंट वहाँ पर उस बॉन्ड में लिखी होगी वो एक्स को देनी पड़ेगी, जितने श्योरिटीज़ वहाँ पर लिखे होंगे उसको वहाँ पर ले आने पड़ेंगे उसके बिहाफ पे, ताकि वो गारंटी दे सकें। यहाँ पर ये क्यों है प्रोसेस, मान लीजिए वो पर्सन है उससे एग्जीक्यूट करवा लिया बॉन्ड एक्स से, मान लीजिए 50,000 का बॉन्ड एग्जीक्यूट करवा लिया, अब 50,000 रुपीज़ उसने कोर्ट में दे दिए, वो श्योरिटीज़ भी ले आया, श्योरिटी से भी 25,000 वहाँ पर कोर्ट ने डिपॉजिट करवा लिए। तो ये जो बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाने का जो प्रोसेस है वो एज ए सिक्योरिटी वर्क करता है कि उस पर्सन को अब अपीयर होना पड़ेगा कोर्ट में, नहीं तो उसकी वो जो अमाउंट है वो कोर्ट के पास ही सबमिट रह जाएगी, वो कैसे रिकवर करेगा उसको। तो इसलिए कोर्ट जो है बॉन्ड एग्जीक्यूट करवा लेती है अगर वो पर्सन प्रेजेंट है कोर्ट में। तो आगे सेक्शन 89 अरेस्ट ऑन ब्रीच ऑफ बॉन्ड फॉर अपीयरेंस, वही सेक्शन 88 को एक तरीके से कंटिन्यू कर रहा है। ये कह रहा है कि व्हेन एनी पर्सन हु इज़ बाउंड बाय बॉन्ड टेकन अंडर दिस कोड टू अपीयर बिफोर ए कोर्ट, कोई पर्सन है वो बाउंड है बॉन्ड के द्वारा अपीयर होने के, ठीक है, बॉन्ड उससे लिया गया जैसे कि सेक्शन 88 में बताया अभी, तो बॉन्ड ले लिया गया तो वहाँ पर वो बाउंड हो जाएगा। तो अगर वो बाउंड है फिर भी क्या होता है, डज नॉट अपीयर, वो अपीयर ही नहीं होता कोर्ट में, तो वहाँ पर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा ना कोर्ट का, द ऑफिसर प्रिजाइडिंग इन सच कोर्ट, वो इशू कर सकता है, मे इशू है वारंट, वारंट वहाँ पर इशू कर सकता है डायरेक्टिंग दैट सच पर्सन बी अरेस्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बिफोर हिम। वहाँ पर उस वारंट में डायरेक्ट कर दिया जाएगा कि उस पर्सन को अरेस्ट करके लाया जाए एंड कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाए। बॉन्ड अगर एग्जीक्यूट कर दिया किसी पर्सन ने फिर वो नहीं फॉलो कर रहा उसको, तो यहाँ पर कोर्ट के पास पावर रहती है कि उसके अगेंस्ट वारंट भी इशू कर सकती है कोर्ट। ओके, आगे सेक्शन 90, यहाँ पर लास्ट सेक्शन इस वीडियो का, प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन जनरली एप्लीकेबल टू समन्स एंड वारंट ऑफ अरेस्ट। ये सेक्शन 90 कह रहा है कि जो प्रोविजंस हैं, द प्रोविजंस कंटेन इन दिस चैप्टर रिलेटिंग टू समन्स एंड वारंट, जो भी प्रोविजंस रिलेट करते हैं समन्स एंड वारंट से एंड उसके इशू से, उसकी सर्विस से, उसकी एग्जीक्यूशन से, शेल एज फार एज मे बी अप्लाई टू एवरी समन्स एंड एवरी वारंट ऑफ अरेस्ट इशूड अंडर दिस कोड। तो जो भी प्रोविजंस बताए गए हैं ना इस चैप्टर में जो कि समन्स एंड वारंट से रिलेट करते हैं, वो हर एक समन्स एंड हर एक वारंट ऑफ अरेस्ट पे अप्लाई होंगे, हर एक अरेस्ट वारंट पे अप्लाई होंगे जो कि इस कोड में कभी भी इशू किया गया। सो बिल्कुल सिंपल सी बात बोल रहा है सेक्शन 90। सो इसी के साथ हमारी ये वीडियो एंड होती है। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। छोटी सी वीडियो थी, सेक्शन 87 से 90 हमने कर लिए। इसी के साथ हमारा चैप्टर 6 यहाँ पर कंप्लीट होता है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए लॉ बाय वंश पत्रा यूट्यूब चैनल को और भी लॉ टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकन, लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी अगर आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो। और भी वीडियोस देखनी है अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। कोई डाउट रहता है आपका नीचे कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो दैट वॉज इट फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।